अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। एक स्टेयर का मार्बल लगा रहे थे तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। एक स्टेयर एक वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने आपको इसकी मार्बल का कैलकुलेशन बताई थी डिटेल से। आज इंशाल्लाह इसकी लगाई जैसे कैसे लगाते हैं ये मुकम्मल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं सामने स्टेयर। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपने इसकी लैंड ओरी के साथ इसको साइडों से सीधा करना होता है ताकि इसकी लैंड ओरी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने ट्रेड लगाना है उसके नीचे आपने मसाला डालना है, जैसे हम डाल रहे हैं मसाला डाल के फिर उसने ऊपर आपने नीरू की जो सीमेंट की चट होती है वो डालनी होती है और ऊपर फिर ट्रेड लगाना है। जो आपका राइज़र होगा वो आपने सिर्फ चट के साथ लगाना है या बॉन्ड के साथ, उसमें मसाला नहीं यूज़ करना क्योंकि उसकी जो है ना जगह भी कम होती है राइज़र के लिए। तो उसको आपने या सीमेंट की चट लगा लें, ये भी बेस्ट है, या फिर आप बॉन्ड के साथ भी इसको चिपका सकते हैं। हम यहाँ पर बॉन्ड लगा रहे हैं, आप बॉन्ड लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपने पहले स्टेयर की साइड पे ऐसे डोरी बांध लेनी है, फिश डोरी। उसके बाद आपने सबसे पहले एक दो राइज़र लगा के उनका गुनिया निकाल लेना है। वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह आखिर पर मैं इसका आपको गुनिया भी बताता हूँ। तो ऐसे आपने जब आपने राइज़र लगा लेना तो उसके ऊपर लेवल रख के हैंड लेवल, तो उसको हल्का हल्का रबड़ वाले हैमर के साथ प्रेस करना है ताकि आपका जो है राइज़र हो वो बिल्कुल वाटर लेवल में हो जाए। उसके बाद साइडों पे आपने स्टेयर जो है ये जो मार्बल होगा ये आपने तकरीबन आधी इंची स्टेयर बार रखना है। अब मैं गुनिया की बात कर रहा था आपके साथ, तो आप देख सकते हैं हमने एक साइड पर 3 फीट का निशान लगाया है और दूसरी साइड पर हम 4 फीट का निशान लगाएंगे। 3x4 का गुनिया हम करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो 3 स्टेप लगाए हैं ये हमारे गुनिया में हैं या नहीं। पहले वाले 3 स्टेप अगर गुनिया में होंगे तो आपकी जो लाइन होगी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। यहाँ से आपने पहले वाले ट्रेड से जहाँ पर आपने तीसरा ट्रेड लगाया उस तक आपने 5 फीट का निशान लगा लेना है इसी डोरी पे जो फिश डोरी आपने बांधी, और फिर जो आपने 3 फुट वाला निशान लगाया वहाँ पर रख के आपने क्रॉस चेक करना है। क्रॉस में आपका 5 फीट होना चाहिए। 3x4 का अगर आप गुनिया निकालेंगे तो वो क्रॉस में 5 फीट आता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा 5 फीट आ रहा है। मतलब यह है कि हमारी स्टेयर बिल्कुल सही लग रही है, हमारा राइज़र और ट्रेड बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। अक्सर मैसन ये चीज़ें नहीं करते जिसकी वजह से आपके घर की जो स्टेयर है वो बदगुनिया लग जाती है और बुरी लगती है। जब स्टेयर लग जाती है तो दूर से नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 42.5 इंच हमने यहाँ पर हमारा ट्रेड है, आधी इंची हमने हमेशा याद रखें आपके अपने स्टेयर के स्टेप से बाहर रखना है मार्बल ताकि उसका फिर गोला या नोज़ बननी है तो वो खूबसूरत तब लगेगा। नीरू आप देख सकते हैं अभी हमने राइज़र लगा रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप बॉन्ड के साथ भी लगा सकते हैं। एक मैसन जो हमारा नीचे लगा हुआ आप देख सकते हैं वो नीचे से स्टेयर की जो हल्की फुल्की कटिंग वगैरह होती है, कंक्रीट जब हम स्टेयर करते हैं तो फालतू हो जाती है, वो कटिंग कर रहे हैं। राइज़र हमारा जो है वो 6 इंच है, आप देख सकते हैं राइज़र आपका 6 इंच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेनाइट आता ही जो है ना 2 फुट में अगर आप इससे ज़्यादा मतलब 6 इंच 3 सूत्र करेंगे 4 सूत्र करेंगे तो आपका स्टेयर की कास्ट बढ़ जाएगी। तो अब वीडियो के आखिर पे मैं आपकी कास्ट भी बताऊंगा। जो आपका ट्रेड है वो 1 फुट से कम नहीं होना चाहिए, यानी 10 इंच का आपकी कंक्रीट हो और तकरीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा होनी चाहिए ग्रेनाइट। यहाँ से आपने 1 फुट स्टेयर पीछे रखनी है। ये घर में हम स्टेयर लगा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी मिस्टेक्स थी, ये स्टेयर हमें दोबारा तैयार करनी पड़ गई है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। हैंड लेवल के साथ आप चेक करते रहें हर राइज़र और ट्रेड को, और ताज़ा स्टेयर लगने के बाद उसके ऊपर किसी को आप चलने ना दें क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी, बोलना शुरू कर लेगी आपकी मार्बल। ये साइडें आप देख सकते हैं बिल्कुल आधी इंची तकरीबन बाहर है, ये इसकी नोज़ बनेगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगी। मसाले की अगर रेशो की बात करें तो हम यहाँ पर 1:4 का मसाला रख रहे हैं और इस तरह बॉन्ड लगा के तो राइज़र बॉन्ड के साथ लगा रहे हैं। तो इस तरह की आज की हमारी ये वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने आपको रेट बता दी है कि जो ये सिल्वर पर्ल जो है ये इस टाइम इसका रेट बहुत ज़्यादा है, ये हम तकरीबन 1600 में ये पर फुट है। तो अगर आप लोकल लगाएंगे तो वो आपको तकरीबन 600-700 के लगभग मिल जाएगा। अगर वो भी परचेज़ करना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको परचेज़ करवा सकता हूँ, हमारे रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस के बेस पे आपको मैं सस्ता मार्बल भी परचेज़ करवा सकता हूँ। सिल्वर पर्ल काफ़ी महंगा है, तो ये भी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट लोकल में भी मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टेयर की आपने साइडें जो होती हैं ये आपने हमेशा याद रखनी है कि इसका आपने पहले मिस्त्री को कहना है कि एक दफ़ा पे वो भी इसका लेआउट कर ले, स्टेप मार्क कर ले, क्योंकि अक्सर सीढ़ियों में प्रॉब्लम होती है, जहाँ जैसे ही सीढ़ी में प्रॉब्लम है काफ़ी यहाँ पर हमें एक किस्म के दोबारा स्टेप तैयार करने पड़ेंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि मैसन को कहें कि वो पहले इसका मार्किंग कर ले स्टेप की, ताकि उसको गुनिया वगैरह निकालने में मुश्किल ना हो। ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपने लैंड डोरी हमेशा सीधी रखनी है, साइड पे लैंड डोरी उसकी करवानी है, और गुनिया इसका चेक करना है स्टेयर का कि जो आप वो स्टेयर लगा रहा है मार्बल भी बदगुनिया तो नहीं लगा रहा।
तो आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने स्टेयर का मार्बल लेना है तो आपकी एक स्टेयर का मार्बल आप कैलकुलेशन करना चाहें कि कितने फुट बनता है तो वो कितना बनेगा। क्योंकि अगर आपको पहले से आइडिया होगा तो फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो जो आप 2 सूत्र 3 सूत्र एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो भी फुटों में वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप एक स्टेयर मार्बल की खरीदना चाहते हैं कितनी फुट की अगर स्टेयर हो तो उसमें कितने फुट मार्बल लगेगा। तो ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि मसाला जो है वो आपने एक रेशो के हिसाब से लगवाना है ताकि आपकी मार्बल बोले ना बाद में। स्टेयर की मार्बल मसाला जितना कम होगा उतनी ही आपकी मार्बल बोलना शुरू हो जाएगी। मसाला एक एस्टिमेट क्वांटिटी रखें, अच्छे कारीगर लगाएं ताकि इतनी महंगी मार्बल हो तो मार्बल लगाए वो सही तरह। तो अगर इसकी लगाने की बात करें तो ये तकरीबन 200 रुपये पर स्क्वायर फुट इसका रेट चल रहा है, लेबर रेट। तो अगर आप हमसे भी लगवाना चाहते हैं तो हम भी आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी में लगा के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको इसकी कैलकुलेशन का बताऊंगा। तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आ सकें। थैंक यू सो मच।